वेलकम टू माय चैनल बाइकिंग जय। गुड मॉर्निंग, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग टी से। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। लग रहा है कि यहाँ पर सब कुछ गोलमाल है। अपने चाय रख देते हैं और बातें आगे बढ़ाते हैं। आपने एक डिफरेंस इन दिनों में देखा होगा कि कोलकाता में जो ये एक वर्ड बहुत ही फेमस था, जिसको अपन अड्डा बोलते हैं, अड्डा चर्चा, जहाँ पर चार दोस्त छह दोस्त मिलके शाम की चाय के टाइम या टपरी पे लोग मिलते हैं, फुटबॉल के बारे में चर्चा करते हैं, डे टू डे न्यूज़ के बारे में वो लोग बातें करते हैं। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे हम लोग सुबह साइकिलिंग के लिए जाते हैं तो साइकिलिंग के दो तीन जैसे विक्टोरिया लूप्स ले लिए, उसके बाद हम लोग एक चाय की दुकान, जैसे हम लोग का फेवरेट चाय स्टॉप है कोना दुकान, उधर हम लोग बैठते हैं। जो डे टू डे अफेयर्स रहते हैं, जो डे टू डे करंट अफेयर्स की जो टॉपिक्स रहते हैं, वो हम लोग काइंड ऑफ एक चर्चा करते हैं सब लोग मिलके, एंड अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, अपने व्यूज शेयर करते हैं। बट वहाँ से जब हम लोग डिस्पर्स होते हैं, वापस अपने घर आके वी रिज्यूम टू अवर डेली रूटीन, डेली लाइफ। जैसे कोलकाता में ये जो वर्ड मैंने जैसे कि पहले बताया, जो अड्डा, शाम के टाइम में आपको हर एक चाय के दुकान में या हर एक गली के मोड़ पे जो गली के रेसिडेंट्स हैं वो लोग मिलके एक अड्डा करते हैं, चर्चा करते हैं। ये डेली की दौड़ा भागी में ये चर्चा सिर्फ एक चर्चा ही बन के रह जाती है। द मेन डिफरेंस ऑफ दोज टाइम्स एंड नाउ इज वी, जैसे हम लोग दोस्त लोग इतना नहीं मिल पाते, इतनी चर्चा नहीं होती है। बट तब सब नॉर्मल था, अब कुछ नॉर्मल नहीं है। तब जैसे फ्रेंड्स लोग और कॉलीग्स सब हम लोग बहुत इजीली मिल पाते थे, अभी वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है। एंड दैट इज़ द रीज़न ये जो अड्डा, ये जो चर्चा है वो कम हो गया है। बट लॉकडाउन के टाइम ये जो चर्चा का जो विषय है, ये जो वो जो हम लोग दोस्त मिलके, हम लोग कॉलीग्स मिलके जो न्यूज़ शेयर, जो ओपिनियन शेयर करते थे, वो अभी लॉकडाउन के टाइम दो चीज़ों से रिप्लेस हो गई है। फर्स्ट बीइंग द न्यूज़ चैनल्स एंड सेकंड बीइंग द व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स। न्यूज़ चैनल्स की अगर अपने बात करें तो स्टार्टिंग ऑफ द लॉकडाउन में न्यूज़ चैनल्स वर दे शोड द न्यूज़ नॉर्मली कि कहाँ पर लॉकडाउन का क्या इफेक्ट है, पुलिस क्या कर रही है, कितने केसेस बढ़े हैं इस चीज़ को लेके। बट ग्रेजुअली जब एक महीना बीता, 45 डेज बीते, तो डे द न्यूज़ चैनल्स ऑल्सो स्टार्टेड पॉलिटिसाइजिंग बिटवीन पार्टीज की, इस पार्टी के लोगों की ट्रेन में, जैसे कि कल की न्यूज़ की बात करें तो इस पार्टी के लोगों के ट्रेन की टिकट्स नहीं लिए जाएंगे इस पार्टी के लोग। तो ये सब चीज़ एक हमेशा, अगर आप दोस्त लोग मिलके भी चर्चा करें, अगर आप न्यूज़ चैनल्स भी देख रहे हैं, तो एक इट माउंट्स टू द डिफरेंसेस बिटवीन टू पॉलिटिकल पार्टीज एवरी टाइम। एंड करंटली लॉकडाउन के टाइम वी आर वेरी मच रिलायबल ऑन दीज न्यूज सोर्सेज। सेकेंड बींग द व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स। आपको कोई भी कुछ भी अगर व्हाट्सएप का फॉरवर्ड आएगा तो इट इज़ मोर लाइकली टू वेरीफाई दैट थिंग। फर्स्ट यू क्रॉस चेक विद द पर्सन दैट सेंड्स यू दैट मैसेज एंड देन यू फॉरवर्ड इट बाई जजिंग द जेन्युइनिटी ऑफ दैट व्हाट्सएप। जैसे पहले के टाइम में अपने दोस्त लोग मिलके ओपिनियन शेयर करते थे, फिर घर जाके वापस से डेली रूटीन में अपने घुल मिल जाते थे, वैसे ही अगर अपने एक न्यूज़ देखते हैं तो वो न्यूज़ को अपने डाइजेस्ट करके वापस से जो अपने डेली काम करते हैं उसमें घुस जाते हैं। एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ के अगर अच्छा लगे, अगर जेन्युइन लगे तो हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, एंड नहीं तो उसको देख के बस उधर ही अपने स्टॉप हो जाते हैं। पहले के टाइम में अगर कोई हादसा होता था तो वो न्यूज़ एक न्यूज़ की तरह बन के रह जाती थी, लोग चर्चा करते थे फिर सब भूल जाते थे। कहीं पे कोई जैसे सुनामी आया फॉर एग्जांपल, कोई भी नेचुरल कैलामिटी आई तो वो 10 दिनों तक वो चीज़ एक चर्चा में रही, फिर सब भूल गए, सब अपने लाइफ में वापस से घुल मिल गए। बट आई गेस फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ये लॉकडाउन में हम घर पे बैठ के ही एनवायरनमेंट को एंड ये जो पेंडेमिक है इसको बचा सकते हैं। फर्स्ट टाइम ये ऐसी एक चीज़ अपने हाथ में आई है कि सिर्फ चर्चा बन के ये नहीं रह जाएगी। अगर अपने घर पे रहेंगे, वी आर एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ अवर सेल्फ्स। अगर आप मुझे
पूछना चाहेंगे कि अभी तक मैं वो टॉपिक क्यों नहीं निकाल रहा हूँ. एंड बेसिकली दिस टॉपिक इज अबाउट आई वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो बिकॉज ऑफ यस्टरडेज स्नैप्स एंड वीडियोज दैट आई गॉट ऑन माई व्हाट्सएप एंड आई सॉ इट ऑन ऑल द न्यूज चैनल्स. द ओपनिंग ऑफ लिकर शॉप्स. बेसिकली जो भीड़ लग गई थी लिकर शॉप्स के बाहर, जो अनकंट्रोल्ड एनवायरमेंट हो गया था, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. आई डोंट थिंक वी आर गोइंग टू अ वेरी गुड पाथ. जैसे अपने बचपन में हमेशा पढ़ते थे कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है. एंड बहुत बार अपने को ये चीज जैसे एक्सपीरियंस भी करने मिली है कि मान लीजिए कि एक फुल क्लासरूम था, अपने जब छोटे थे अपने क्लासरूम में बैठे थे और किसी एक शैतान बच्चे की बदमाशी की वजह से छुट्टी टाइम के बाद 15 मिनट या आधा घंटा का डिटेंशन मिलता था. और वो शरारती बच्चे ने फिर से अगर कुछ कांड कर दिया उस आधे घंटे के पीरियड में, तो द डिटेंशन यूज टू एक्सटेंड अप टू 1 hour और 45 minutes मोर. एक शैतान बच्चे के वजह से पूरे क्लास को सफर करना पड़ता था. आई गेस अभी भी कुछ ऐसा ही मुझे फील हो रहा है. और मैं यही कामना करूँगा कि जल्दी से अपने नॉर्मल लाइफ में अपने वापस से रिज्यूम हो जाए. बाई अक्यूमुलेटिंग इन लार्ज ग्रुप्स वी आर नॉट लीडिंग अ गुड पाथ. वी आर नॉट गोइंग इन अ गुड वे. लेट अस स्टे एट होम. अभी लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है 2 weeks के लिए. उसके बाद देखते हैं क्या डिसीजंस देती है गवर्नमेंट. बट अभी जितना हो सके लेट अस कम टुगेदर एंड स्टे एट होम. लेट अस नॉट अक्यूमुलेट इन लार्जर ग्रुप्स. लेट अस मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग. आई नो अभी एक डार्क फेस चल रहा है. यही डार्क फेस के बाद अगर अपने इसमें सक्सेस हो गए तो अपना ही फायदा है ना. तो अपने फायदे के लिए ही अगर आप सोचो तो स्टे एट होम. कुछ दिन अगर अपने लैविश लाइफ नहीं जिएंगे तो चलेगा. अपने सब कुछ करते हैं, कोई संडे बाकी नहीं रखते बाहर जाने से, कोई नाइट आउट बाकी नहीं रखते बाहर जाने से. एंड अभी घर पे बैठ के अगर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो व्हाई नॉट. एंड आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टे एट होम, अ वर्किंग मैन टू स्टे एट होम फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो आई गेस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो आपके मन तक पहुँचे ये बात. ये बात अगर आप किसी को कहना चाहें तो ज़रूर ये वीडियो शेयर करके सबको पहुँचाए ये वाली बात कि घर पे बैठ के ही अपने कितना सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. सो लाइक इन एवरी वीडियो आई से स्टे होम, स्टे सेफ एंड सी यू ऑन द राइड आफ्टर द पैंडमिक. टेक केयर. बाय बाय.